हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्रशांत एक बार फिर आप सभी का प्यार से वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल बर्ड्स एंड गार्डन में। तो दोस्तों, आज वो इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। आज मैं बहु प्रतीक्षित वीडियो लाने जा रहा हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि काफी जनों का सवाल और काफी जनों का रिक्वेस्ट था कि मैं उनको पिंजरे की गेट को बनाना सिखाऊं। तो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को कहा था कि मैं पिंजरे का गेट के ऊपर बहुत जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी। तो दोस्तों, आप लोगों से इतना अनुरोध करता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पिंजरे का गेट कैसे बनाया जाता है। आप लोगों का बहुत दिनों का इंतजार समाप्त होता है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो मैं हमेशा अंत में करता हूं, आज पहली बार मैं शुरू में कर रहा हूं, कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे ये वीडियो वायरल हो सके। और आप में से कोई चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो आइए मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि जो पिंजरे का गेट का पहले खुलने से पहले जो स्थिति है वो मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ। तो उसके बाद मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगा, उसको आप सेट करके भी एक एक दिखाऊंगा। आप ध्यान से देखिएगा, ये देखिए कैसे इसका गेट बना हुआ है, आप ध्यान से देखते रहिए। मैं बहुत धीरे धीरे और बहुत विस्तार में आपको बताऊंगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा स्किप किए बिना, क्योंकि अगर स्किप करेंगे तो वीडियो में मजा नहीं आएगा। और मैं उम्मीद यही करता हूं कि आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखेंगे और मेरी मेहनत को सफल करेंगे। तो ये पूरा गेट का हिस्सा है और इसको मैं उल्टा के आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, अब मैं इसको खोलने के बाद वापस से आपको सेट करके दिखाऊंगा, जिसे आप इस गेट को इजीली बना सकें। और दोस्तों, मैं आपको थोड़ा एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैंने अपना एक नया चैनल शुरू किया है जो डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्किंग से संबंधित है, मोटिवेशनल वीडियोस उस पे मैं डाल रहा हूं। तो अगर आप में से कोई डायरेक्ट सेलिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, नेटवर्किंग में इंटरेस्ट रखते हैं, जो जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा और उसको भी देखिए, अच्छा लगेगा आप लोगों को। और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में काफी चीज आपको जानकारी मिलेगी और चाहे तो आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, ये जो आप टुकड़ा देख रहे हैं ये 17 इंच का टुकड़ा है और 17 इंच के टुकड़े को हमें तीन पीस लेना है, एक यहाँ नीचे के लिए, एक मिडिल के लिए और एक ऊपर के लिए। ठीक है, इसके अलावा दो पीस बड़े लेने, ये वाला और इधर के लिए दो पीस बड़े लेने हैं, जिसकी लंबाई होगी 38 इंच, यानी 3 फुट 2 इंच है। अब ये अपने पिंजरे के साइज के अनुसार आप एडजस्ट कर सकते हैं, किंतु 3 फुट का गेट होना जरूरी है, जिसके कारण उसके अंदर आसानी से जा सके और पिंजरे की सफाई कर सके। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आपकी जाली की आप चौड़ाई देख रहे हैं, ये जाली की चौड़ाई भी आपको रखनी है कम से कम 17 इंच, जिससे ये जो छेद आप देख रहे हैं इसमें आप नटबोल्ट लगा सके। ये जो आप छेद देख रहे हैं इसमें आप नटबोल्ट लगा सके। अगर आप नटबोल्ट नहीं लगा पाएंगे ढंग से तो जाली लूज रह जाएगी और उससे आपके बर्ड्स के निकलने के चांसेस बने रहते हैं कि वो जाली पे आके जरूर चिपकते हैं। इसलिए 17 इंच का मैंने ये जाली लिया है और 17 इंच के अंदर ही मेरे को ये सारा काम करना है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि जाली मैंने, ये देखिए ये जाली मैंने आपको दिखा दी, अलग हो रखी है, इसके मैंने 3 पेच लगाए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको करना कैसे है, ध्यान से देखिए। अब ये जो आप देख रहे हैं इसको दोस्तों, मैंने इस तरीके से इसको लगाया है, यहाँ पर एक सेट किया है, जिससे कि ये वो पूरा छेद में आराम से एडजस्ट हो जाए और छेद से ये मैच कर जाए। इस तरीके से मैंने इसको लिया है और जिससे इसके मैं छेद को मेंटेन कर सकूं। तो इसको मैंने, जब ये जो 2.5 सूट का आप बोल्ट देख रहे हैं, इस 2.5 सूट के बोल्ट और ये वॉशर इसको लगाने में काम में आएगा। इसमें 3 जगह आपको फिक्स करना है, इससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई मना ही नहीं है। अगर आप कम से कम 3 तो आपको देना ही देना है। देखिए, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जब इसके एडजस्टमेंट नहीं होगा तो इसको आपको दबा के खींच के एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आप अकेले हाथ नहीं कर पाएंगे, पहली बार करेंगे तो इसको अकेले नहीं कर सकते हैं। तो आप इसको किसी की मदद ले लीजिएगा, किसी के साथ ले लीजिएगा, जिससे आप इसके पेंच को अब अच्छी तरह लगा सके। अगर आप बोल्ट अंदर की तरफ से फिट करते हैं, अच्छा तो ये रहेगा कि आप बोल्ट को बाहर की तरफ से फिट करें। बाहर से आप बोल्ट को पहले लगा दीजिए, ये देखिए मैंने, आप देख रहे होंगे मैंने बोल्ट को ऐसे पहले बाहर से लगा दिया और फिर इसको इस पे मैंने इस तरीके से सेट किया है और इसके बाद मैंने वॉशर लगाया, उसके बाद मैंने इसकी ढेर भी लगाई, ये नट मैंने लगा दिया। देखा दोस्तों, इसके बाद एक बोल्ट मेरे को बीच की तरफ लेना है, जाली को आप खींच लीजिएगा, जिससे आपको इजीली रहे और जिसमें आपका अच्छी तरह सेट हो सके। ये देखिए, थोड़ा खींचना पड़ता है,
वरना खेचे बिना ये एडजस्ट नहीं होता, इसलिए आप किसी की मदद ले लीजिएगा क्योंकि अकेले शायद आप न कर पाए। तो दोस्तों ये मेरा दूसरा बोल्ट भी लग चुका है और ये मेरा तीसरा बोल्ट मेरा अब लगेगा। पूरे पिंजरे का डिजाइन आपको अच्छी तरह दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा कि मैंने कैसे लगाया। ये देखिए, ये वाला बोल्ट मैंने यहाँ कस दिया, बीच में एक बोल्ट लगा दिया और इधर ऊपर एक बोल्ट लगा दिया, तीन बोल्ट मैंने कस दिए। और ऐसे ही मैंने ये वाला, आप देखिए, देख रहे होंगे आपके, अच्छी तरह देख लीजिएगा। जब आपको समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं और वीडियो को बार बार रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। जब आप गेट बनाए तो बहुत आसानी से ये बन जाएगा, ठीक है। और एंगल देख लीजिए कैसा रखना है आपको। ये मैंने क्यों ऊपर रखा है, क्योंकि ये हिस्सा पिंजरे के अंदर का हिस्सा है, तो इस पे आके बर्ड्स बैठते हैं तो वो आसानी से बैठ भी सके इसके ऊपर, इसलिए मैंने ये वाला हिस्सा इस तरीके से रखा है। आप ध्यान से देखिएगा किस तरफ हिस्सा है, मैं आपको खड़ा करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, क्योंकि जब बर्ड्स इसके गेट के ऊपर बैठते हैं तो यहाँ पर ये आसानी से बैठ जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। इसके बाद आपको तीसरा हिस्सा जो लगाना है वो ऊपर की तरफ, तीसरा हिस्सा आपको ऊपर की तरफ लगाना है और उस वही तीन बोल्ट आपको कसने हैं, ठीक है। ये जो दो नट आप देख रहे हैं, ये वाले, ये दोनों नट इसके जो मैंने कुंडी लगाई है उस कुंडी की है, ये कुंडी के लिए, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। ये लंबे वाले नट और छोटे वाले हैं जिसमें वॉशर, हाँ वॉशर जरूर लगाइएगा, वॉशर के बिना ये टिक नहीं पाएगा। तो जाली को पहले काट लीजिएगा कि जाली 3 फुट 2 इंच लंबी और करीब 17 इंच चौड़ी की जाली काटनी है और जाली को अच्छी तरह आपको सेट करना है। ये मैंने आपको अंदर का हिस्सा दिखाया है, अब मैं आपको बाहर का हिस्सा भी दिखा देता हूँ। ये देखिए बाहर मैंने कैसे जाली लगाई है, आप देखिएगा, अच्छी तरह देखिएगा। जब जाली आप लगाए तो आपको थोड़ी तकलीफ आएगी, इसलिए किसी की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि इसको खींचना पड़ता है, बिल्कुल टाइट रखना पड़ता है। अगर लूज रह जाएगा तो, अगर गैप रह जाता है तो बर्ड्स के निकलने के चांसेस रहेंगे, इसलिए उनको गैप ज्यादा मत दीजिएगा। खींच के जाली रहेगी तो उसमें वो निकल नहीं पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको, ये तो आपने देख लिया कि कैसे ये पिंजरा का गेट बनाना है। उम्मीद है आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि कैसे ये पिंजरे का गेट मैंने बनाया है। दो पीस तो मैंने एंगल लिया है बड़े वाले और तीन पीस एंगल लिए हैं मैंने छोटे वाले। इसको आप आरी से या फिर वो जो कटर मशीन आती है उससे काटिएगा, तो आरी से काटने में दिक्कत आएगी, इसलिए कटर मशीन से आप काटिएगा, जिससे आसानी से कट जाएगा, जिससे आपके हाथ में कोई चोट नहीं लगेगी। क्योंकि इसको काटते वक्त मेरे, जब मैं काट रहा था तो ग्राइंडर दो बार इसमें फिसल के चला गया था, इसलिए ध्यान से आप जब करें बहुत ध्यान से कीजिएगा जिससे आपको चोट ना लगे, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है और आपके साथ वो चीज ना हो, इसलिए मैंने आपको अच्छी तरह ये दिखाया है। और बहुत आसानी से कम खर्चे में ये गेट आप बना सकते हैं। तो दोस्तों मैंने ये गेट वापस फिट कर दिया है, आपको मैं ये कब्जा दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये दोनों पेंच मैंने लगाए हैं यहाँ पर, देख रहे हैं, ये दोनों पेंच मैंने लगाए हैं और नीचे यहाँ पर लगा दिए। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा यकीन है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि आप लोगों में से कई जने मेरे इस वीडियो का बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे और आज के वीडियो में मेरे को बहुत मेहनत हुई है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप घर पर रहें, सेफ रहें, खुश रहें, धन्यवाद।